हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इफ़ ए प्लस वन बाई बी इज इक्वल टू वन एंड बी प्लस वन बाई सी इज इक्वल टू वन, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी प्लस वन बाई ए की। हमारे पास ये ऑप्शन गिवन है 0, 1, 2, 1/2। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास ये गिवन है ए प्लस वन बाई बी इज इक्वल टू वन। अगर यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा 1/b इज इक्वल टू 1 - a। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू मिल जाएगी 1/(1 - a)। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा 1 - 1/c। 1/c को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -1/c। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा b इज इक्वल टू c - 1/c। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। तब देखिए, हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए, ये भी b के इक्वल है और ये भी b के इक्वल है, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे राइट हैंड साइड को। तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा 1/(1 - a) इज इक्वल टू c - 1/c। अगर इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, c इज इक्वल टू 1 - a इंटू c - 1। सी इज इक्वल टू, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो यहाँ से मिलेगा c - 1, फिर -a का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा -ac + a। तो देखिए, c से c कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। इस टर्म को हम इस साइड लेके आते हैं तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा 1 + ac = a। अब a को हम इधर डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा 1/(a + ac)/a इज इक्वल टू a/a। ए कॉमन ले गए हैं तो इसे डिवाइड करेंगे तो ए से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या बच गया, c + 1/a इज इक्वल टू 1। तो इसी की वैल्यू में फाइंड आउट करने थे तो हमारे पास आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर b। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।